यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो हरियाणा में बच्ची और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। आपने नारनौन का भी मामला देखा है। आए दिन दरिंदे बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। मामला अब रतिया के कमाना का है, जहां इस गांव में नाबालिग के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया और फरार भी हो गया। और वहीं अभी तक मामले में पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं और बच्चों के साथ दुष्कर्म की वारदातें जो है उसके चलते लोगों में काफ़ी रोष है। शहर में कैंडल मार्च भी निकाला गया और सरकार के साथ साथ पुलिस के खिलाफ भी जमकर लोगों ने नारेबाजी की है। गुस्साए ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। और वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना यह भी था कि अगर पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं की है तो वे शहर बंद कर देंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मामला 10 महीने पहले का है, जहां आरोपियों ने पहले बच्ची का अपहरण किया था और उसके बाद दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। 10 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं और इसी के चलते ग्रामीणों में भारी गुस्सा है।